So hey guys, welcome back to another video. Hope you all are doing well in your life. तो अभी जो है शाम का टाइम है और बाकी व्यू आप देख सकते हो, क्या ही बढ़िया लग रहा है देखने को। पूरा चिड़िया, बाकी ये पूरा फील्ड और बाकी ये वाला जगह आप देख सकते हो क्या ही सुंदर लग रहा है देखने को। सो ब्यूटीफुल। क्या ही नज़ारा है भाई साहब। शाम के टाइम में ऐसे जगह घूमने के लिए अगर आओ तो हो मन हल्का हो जाता है। पाँच मिनट बोला। बाकी ये वाला जगह देखो गाइस, शाम के टाइम पे घूमने के लिए आओ और ऐसे जगह पे अगर नज़ारा देखने को मिले तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ बोला बोला, चलो चलो रे, बहुत दूर बाकी है जाने के लिए अभी भी। भाई नेचुरल ब्यूटी, ओए होए होए। बाकी मैगी देखो हो। बाकी चलो अभी थोड़ा सा घूमने के लिए आए थे और ऐसे अगर नेचुरल व्यू मिल जाए तो रोक के थोड़ा सा रील बनाने के लिए और शूट करने के लिए तो भाई बनता है। बाकी अभी जो है अरे धीमान देखो मारा सुन। आरो एखन लास्ट चूई। और ये है हमारा फोटोग्राफर। तो यहाँ पे आए भाई शाम के टाइम को, बहुत मज़ा आया। फोटोग्राफी चल रहा है अभी, फोटोग्राफी चल रहा है और मैगी के साथ थोड़ा सा रील वील शूट हो गया, फ़ोटो वोटो क्लिक हो गया। अभी जो है निकलेंगे थोड़ा सा और शाम हो तभी जो है थोड़ा सा इवनिंग राइड का मज़ा आता है। ठंडा ठंडा हवा, ओए होए होए क्या ही मज़ा लग रहा है ये वाला जगह देखने के लिए। ये जगह चेक करो गाइस। अभी जो है निकलते हैं। बाकी नेचुरल व्यू अगर एंजॉय करना हो तो ऐसी जगहों पे जो है बहुत ही सुकून मिलता है। पहाड़ देख सकते हो, कितना बढ़िया फील्ड है और रोड बोर्ड भी जो है बहुत बढ़िया है। मज़ा आया शाम के टाइम पे ऐसे जगह पे घूमने के लिए, उफ मज़ा आता है। और ये वाला पहाड़ देख सकते हो, इधर पे ही हम रील वील शूट कर रहे थे। और बाकी ये है मैगी, मेरी प्यारी मैगी। इस मतलब ये वाले पेड़ के साथ जो है बहुत मस्त रील शूट कर सकता हूँ मैं। अभी मैं करूँगा भी, क्योंकि जो है जॉब वगैरह के प्रेशर में जो है ये सब मतलब घूमने फिरने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है ऑब्वियसली, और इतना घूम नहीं पाते हैं तो रील वील भी शूट नहीं हो पाता है। तो आज अगर आए हैं घूमने के लिए तो भाई पूरा कंटेंट जो है निचोड़ लेंगे, पूरा कंटेंट जो है एकदम निचोड़ लेंगे। और आज ही इतना सारा रील आज शूट कर लिए है, उसको रिकॉर्ड करके डालेंगे तो भैया महीना निकल जाएगा। तो एक कंटेंट क्रिएटर का जो है यही एक मतलब मेन फार्मूला है, एक दिन जाओ पूरा शूट करो फिर एक जो है वीक निकाल दो, यही है सीन। तो अभी जो है एक मस्त रील बना लेता हूँ मैं। और अगर आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो अभी तक तो इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो करो @zintunok_official। और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है मैं वो भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जो है वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ज़रूर मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे जो है मैं रील वगैरह डालता रहता हूँ और डेली बेसिस पे स्टोरी वगैरह कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सब डालता रहता हूँ। तो ज़रूर फॉलो कर लेना, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसी जगहों पे जो है फील आता है। अपनी लवर को एमटीज एमटी जितना भी दबा लो भाई, एमटीज एमटी। क्लासिक 350 वर्सेस MT15 लेकिन जो भी करो भाई एमटीज एमटी। इसका मतलब एक्सेलरेशन टॉर्क भाई खतरनाक लेवल का है, बाकी वो उसका भी एक अलग फील है और इसका भी एक अलग फील है। ओ भाई हाँ चलो MT is doing MT15 things. ये एक अलग मशीन है, वो एक अलग मशीन है, लेकिन रेस के मामले में, स्पीड के मामले में भैया MT15 का कोई टोर नहीं है। क्लासिक 350 को ये इजीली बीट कर सकते हैं भाई, इजीली, बहुत ज़्यादा। पानी वहा, पानी वहा, तारा एमटी जो खींचती है भाई, जो पुल है एमटी का अलग ही है इसका। इसका जो पुल है भाई, इनिशियल पुल क्या ही बोलो इसको, जो एक्सेलरेशन भैया अलग ही लेवल का है। हाँ ये तो प्रॉब्लम है, ये तो पतला ना, ये जो है एक ड्रॉबैक है। ये मतलब पूरा भारी बाइक है ना, तो शार्प टर्न के लिए ये प्लास्टिक बॉय है। अरे ना एकदम ना सीरियस, एकदम बहुत मैंने केयरफुली हैंडल कर बोला, भारी ऐसा ना बाइक तो, मतलब टर्न वगैरह के लिए, लीनिंग वगैरह के लिए जो है ये थोड़ा सा भारी भरकम बाइक है, तो इसके लिए मेरा भाई जो है थोड़ा सा घबराता है, और वो घबराना चाहिए भी। वो वाला डर जो है आपको एक्सीडेंट से जो है बचाता है। ये डर होना भी चाहिए, ज़्यादा ही अगर आप बेफिक्र होकर चलाएंगे तो कभी जो है हादसा होने का चांसेस जो है बढ़ जाता है। तो ऐसे ये छोटा मोटा डर रख के चलाओ भाई, सेफ चलाओ। राइड अगर करो ही तो पूरा सेफ। अभी जो आप देख सकते हो हम पूरा प्रॉपर गियर के साथ चला रहा है मेरा भाई अभिजीत। वो भी जो है पूरा ग्लव्स वगैरह पहन के चला रहा है और बूट वूट पहन के चला रहा है। तो एकदम सेफ एनवायरनमेंट में आप लोगों को स्पीडिंग करना है और राइड करना है, ताकि दूसरों को भी नुकसान ना हो, खुद को भी नुकसान ना हो। और हम ऐसे बस एक फ्रेंडली ड्रैग कर रहे थे एक फ्रेंडली ड्रैग खींच रहे थे बस दोनों बाइक को। बाकी आप इसको सीरियसली ना ले। अगर क्लासिक 350 वाले आके मेरे कमेंट सेक्शन में गाली ना भरे क्या समझ रहा है तो क्लासिक 350 को है MT15 से तो कंपेयर कर रहा है मैं ऐसे फ्रेंडली ड्रैग कर रहा था भाई के साथ, इसको एकदम ही मतलब सीरियसली ना ले। यही है आज का वीडियो। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।